नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। रीवा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए प्रथम चरण के तहत मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी जनपद पंचायत में मतदान शुरू हो गया। प्रथम चरण के मतदान में 4,56,867 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। प्रथम चरण में जिला पंचायत के 9 वार्डों, जनपद पंचायत के 75 वार्डों में सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। विकासखंड नईगढ़ी में 76 ग्राम पंचायतों, मऊगंज में 82 ग्राम पंचायतों तथा हनुमना में 98 ग्राम पंचायतों सरपंच पदों एवं पंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। इसके लिए विकासखंड नईगढ़ी में 206, मऊगंज में 233 तथा हनुमना में 307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मऊगंज जनपद क्षेत्र के 71,554 पुरुष मतदाता, 65,651 महिला मतदाता एवं 2 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि हनुमना जनपद क्षेत्र में 97,970 पुरुष, 89,521 महिला व 4 अन्य मतदाता हैं। इसी प्रकार नईगढ़ी जनपद क्षेत्र में 69,349 पुरुष, 62,810 महिला व 6 अन्य श्रेणी के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल को सहयोग देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों का दल तैनात किया गया है। निर्वाचन से जुड़ी सूचनाएं संकलित करने के लिए तीनों विकास खंडों में कम्युनिकेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से काफी संख्या में मतदान का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग आ रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। इसके पीछे जिला प्रशासन की पिछले कई दिनों से जो तैयारियां थी, जो टीम वर्क था, उसका परिणाम आप देख सकते हैं। और लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और प्रत्येक जगह पर जाकर सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई समस्या हो तत्काल उसको सॉर्ट आउट किया जाए। लापरवाही में एक कर्मचारी को निलंबित किया गया। वैसे तो पुलिस पेट्रोलिंग मोबाइल ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया, रात को काफ़ी देर तक उन लोगों ने अपना अच्छा प्रयास किया, परंतु एक पुलिस मोबाइल के प्रभारी द्वारा लगातार उदासीनता बरती जा रही थी और चुनाव ड्यूटी में उनमें वो गंभीरता नहीं थी जो होनी चाहिए, उसे देखते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हमारा जो कैंप है अभी नईगढ़ी में बना रखा है हमने मिनी कंट्रोल रूम, यहीं से उनके निलंबन का आदेश जारी किया है। उनकी जगह दूसरी मोबाइल एक्टिव हो गई और क्षेत्र में काम कर रही है।